हेलो एवरीवन, इस पूरी सीरीज के अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे ऑन डिजिटल लॉजिक। और डिजिटल लॉजिक के अंदर जितने भी सिलेबस है, पूरा जो स्टार्टिंग से एंड तक हम पूरा टॉपिक जो है सब कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो आई होप जो क्लासेस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई थिंक यू नो माई नेम, माई नेम इज़ हिमांशु कौशिक, और मुझे गेट की फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो चुका है। मैं इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और सब पहली बार मैंने गेट एग्ज़ाम क्लियर किया था, दैट वॉज इन 2011-12। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इसी फील्ड में मुझे लगभग 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो इसी वजह से आप जो हमारी क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं ऑन अन अकेडमी, तो अन अकेडमी पे मेरे पास दो तरह के कोर्सेज जो होते हैं। पहला जो है दैट इज़ कॉल्ड प्लस कोर्स, एंड सेकेंड इज़ आइकॉनिक कोर्स। तो प्लस कोर्स में स्पेशल ये है कि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर होते हैं, और साथ साथ में जो मेरी क्लासेस होती है काफ़ी इंट्रैक्टिव होती है, यानी कि आप और मैं क्लासेस के बीच में इंट्रैक्टिव या डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। और साथ साथ में जब आप आइकॉनिक कोर्स में जाएंगे तो आइकॉनिक में स्पेशल है, स्पेशल ये है कि एक मेंटर आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। तो मेंटर, जब भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत होगी या फिर आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तो मेंटर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा इन एनी वे। तो अगर मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं विद अन अकेडमी, चाहे आप प्लस ले या फिर आइकॉनिक ले, मेरा कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, जस्ट यूज़ अ कूपन कोड विच इज़ कौशिक 10, क्योंकि कौशिक 10 में आपको टोटल 10% ऑफ हमको मिल जाएगा। जस्ट यूज दिस एंड होप यू लाइक दिस। पूरी सीरीज जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी, एंड थैंक यू सो मच। सो द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप हियर इज योर जेके फ्लिप फ्लॉप, एंड इन दिस जेके फ्लिप फ्लॉप अगेन वी आर यूजिंग अ क्लॉक। तो यहाँ पर हम लोग क्लॉक यूज कर रहे हैं, एंड यू कैन सी इन दिस जेके फ्लिप फ्लॉप दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर लैच। ये आपका लैच है, एंड इन दिस लैच दिस इज सम नैंड गेट्स। सो जेके फ्लिप फ्लॉप इज जस्ट लाइक अ मॉडिफिकेशन टू SR। जेके फ्लिप फ्लॉप जो है वो SR फ्लिप फ्लॉप के अंदर उसकी एक मॉडिफिकेशन है। सो दिस इज स्मॉल डिफरेंस इन दिस मॉडिफिकेशन। वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जेके फ्लिप फ्लॉप जो है, अगर जे और के दोनों के वैल्यू 1 होती है, देन ओनली इट इज डिफाइंड, उस समय पर ये डिफाइंड है, राइट। तो SR जो है, इन SR, अगर यहाँ पर S और R आप इनपुट देंगे, तो S और R अगर दोनों 1 है, तो उस केस में जो SR फ्लिप फ्लॉप है वो डिफाइंड नहीं है। लेकिन जो जे के फ्लिप फ्लॉप है, अगर जे और के दोनों की वैल्यू 1 देंगे, तो जे के फ्लिप फ्लॉप वहाँ पर भी डिफाइंड है। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मोर एग्जाम्पल्स, देन आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। ओके, सो यू कैन मेक जे के फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम SR ऑल्सो। आप जे के फ्लिप फ्लॉप को SR फ्लिप फ्लॉप से बना सकते हैं। सो दिस इज एन SR फ्लिप फ्लॉप, एंड विद दिस SR फ्लिप फ्लॉप आई कैन एड अ फ्यू गेट्स हेयर टू मेक इट जेके। तो आप इसको कुछ डायग्राम को कुछ ऐसे कंपेयर भी कर सकते हैं। सो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जेके कहना क्या चाहता है, वट डज इट मीन, वट इज़ अ जेके फ्लिप फ्लॉप, उसका मतलब क्या है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू मेक द करेक्टरिस्टिक टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। सो दिस इज जे, दिस इज के, दिस इज QN, and this is presenting your QN plus 1. Okay, so again I am saying JK flip flop is modified SR. JK flip flop kya hai? JK flip flop is modified SR flip flop. It is a modified SR flip flop. Why it we needed this modification? Because you can see this SR flip flop is not defined whenever S and R both are 1. Agar S aur R dono 1 hai, to us case mein hamara jo SR flip flop hai wo defined nahi hai. So what we do in the JK flip flop, let me make the truth table. I think then you will be able to understand it clearly. So let us assume these are the values 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and this is 1 1 1. Okay, correct. Now here when I say we have QN plus 1, right? So again, it will behave same as SR for all of these combinations. The only difference will be in this combination, right? So here, dono jo J aur K ki value 0 hai, in this case, there is no change. So this will reflect no change here. Yahan par koi bhi change nahi hai. When J is 0 and K is 1, तो यहाँ पर क्या था, ये S और R की तरह ही था। तो अगर लेकिन डिफरेंस क्या है, जब J is 0, K is 1 है, तो दैट मीन्स इट इज़ रीसेट। सो दिस विल मेक
0, or you can say it is reset. When J is 1 and K is 0, that means it is set. So output will be 1, which is called as set. Now the only difference here is, जो एक ही difference है यहाँ पर JK flip flop और SR flip flop में, the only difference is in this area. सिर्फ इस area के अंदर आपके पास difference है. You can see when value of J and K both are 1, now JK flip flop will do complementation. यानी कि जो Qn की value थी, ये उसको complement करेगा. It will make it 0, it will make it 1, and this will become Qn complementation. तो इस तरीके से आप JK flip flop को बना सकते हो. This is the characteristic table of JK flip flop. By using this characteristic table, I can also create the function table. तो मैं यहाँ पर इसको देखकर एक function table भी बना सकता हूँ. How this function table will look like? कैसे दिखेगी function table? So in this function table, we are going to take J, K, and this is Qn plus 1. ठीक है? And here the values are 0, 0, 01, 10, and 11. When both of J and K are 0, so again there is no change, that means here it will be Qn. When both J and K are 0, 1, that means it is reset. When J is 1 and K is 0, that means it is set. And when J and K both are 1, that means it is Qn complementation. उस समय पर ये Qn complementation है, okay? In the same way, you can also make excitation table. Excitation और characteristic table जो है वो function table and excitation table both are just modifications of this characteristic table. Soon you will realize कि इनका benefit क्या है, what is the use of them. Soon we will try to understand that, okay? So right now let us make the excitation table. So in excitation table, this is Qn, this is Qn plus 1, and this is representing the value of J, and this is representing the value of K. I hope it is visible. Yes, it is visible. Okay. Now here, so these are the values 0, 0, 0, 1, 10, and 11. Now you can check if Qn is 0 and Qn plus 1 is also 0. कौन कौन से ऐसे cases हैं? Here Qn is 0 as well as Qn plus 1 is 0, and here also Qn is 0 and Qn plus 1 is 0. In this case, the value of J is 0 and the value of K is changing. Changing means it is don't care. So this is 0, don't care. Okay. When Qn is 0 and Qn plus 1 is 1, yani ki 0, 1 wala jo case hai, this is 0, 1 wala case, and this is also 0, 1 wala case. So in both of these cases, we have 1, don't care. So yahan par aayega aapke paas 1 and don't care. Okay. In the same way, when you have 10 means this case, 10 kaun sa case hai aapke paas, ye wala. So this is 10 as well as this is 10. In both of these cases, your S is changing, or you can say J is changing, but your R is remaining the same. So S jo hai wo don't care ho jayega, and the value of R is 1. And whenever we have 11, to ye wala case 11 wala hai, ye wala case 11 wala hai, here S is changing but R is remaining the same, so S is don't care and R is 0, correct? So in this manner, you can make the characteristic table, function table, as well as excitation table for JK flip-flop. I hope that you understood this. Aapko samajh mein aaya hoga. So again, as I am saying, JK flip-flop is just a modification to the SR flip-flop. Okay. So this is your JK flip-flop. Here it is representing a clock. That means it is a positive edge-triggered flip-flop. This is representing the characteristic table, and this is representing the function table. Correct. And using this characteristic table, I can also minimize the circuit. So yahan par aapke paas ye jo k-map hai, this is a k-map for Qn plus 1. And in this k-map, you can see ki ye kahan kahan par value 1 le raha hai. It is taking value 1 in these locations. Just plot these values in the in this k-map, and you will find out the equation for this. Is equation kya banegi? This is the equation. The equation is J Qn complement plus K complement Qn. Now let us see how to make a circuit for this. So yahan par aapke paas J hai, this is representing J, this is representing K, and I have to take K complementation. Theek hai, to aapke paas ek OR gate hai. Later on we have an OR gate right here, and this OR gate the output is Qn. So when I do J Qn complement, right, so is Qn ka jo complemented form hai, I have to give this complemented form with J, and we are going to have this AND gate. And when I have this K, so I have to take a complement of K, and for that I just have to use Qn. Main Qn ko yahan par use karunga. This is again AND gate, and here I can make a circuit like this, and this is the output which is Qn. So in this manner, you can even minimize this
जेके फ्लिप फ्लॉप जो आपके पास फ्लिप फ्लॉप है उसके सर्किट को आप इस तरीके से मिनिमाइज भी कर सकते हैं। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस, आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू टेल मी, जो भी डाउट हो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विद मी, कम इन कॉन्टैक्ट विद मी एंड डिस्कस द डाउट्स विद मी। ओके, सो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज योर डी फ्लिप फ्लॉप। थोड़ा डिस्कस अबाउट डी फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप फ्लॉप क्या है? डी फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिलेड फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप जो है उसको हम डिलेड फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। सो इन दिस डिलेड फ्लिप फ्लॉप वट एवर द इनपुट इज दैट विल बी योर आउटपुट। आई मीन टू से देखो इन डी फ्लिप फ्लॉप वी हैव ओनली वन इनपुट, राइट? सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग, लेट अस सपोज दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर डी फ्लिप फ्लॉप, दिस इज योर डी फ्लिप फ्लॉप। इन दिस डी फ्लिप फ्लॉप वी हैव ओनली वन इनपुट दैट इज डी। दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर आउटपुट क्यूएन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर आउटपुट क्यूएन कॉम्प्लीमेंट। ओके, एंड लेट अस अज्यूम दिस इज योर क्लॉक, फाइन? सो इन दिस डी फ्लिप फ्लॉप वी हैव डी, वी हैव क्यूएन एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग क्यूएन प्लस वन। ओके, सो इनिशियली देयर वैल्यूज आर 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1। ओके, नाउ यू कैन आस्क मी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी सर ये जो क्यू एन है हाउ कैन यू यू नो टेक दिस वैल्यू ऑफ क्यू एन, क्यू एन की वैल्यू आपको कैसे पता? सो बेसिकली वी डू नॉट नो वट इज द वैल्यू ऑफ क्यू एन। क्यू एन का मतलब क्या है कि यहाँ पर इनिशियल आउटपुट क्या है, आई डू नॉट नो वट इज इनिशियल आउटपुट। सो वट आई ट्राई टू डू इज आई ट्राई टू टेक एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दैट आउटपुट। जो भी आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है तो मैं उस आउटपुट का पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेने की ट्राई करता हूँ, राइट? सो इन दिस डी फ्लिप फ्लॉप वट एवर इनपुट यू डू दैट विल बिकम द आउटपुट। यानी कि जो भी इनपुट आप यहाँ पर देंगे, इफ दिस डी इज जीरो देन योर आउटपुट विल ऑल्सो बिकम जीरो। बट ये वन जीरो का बनेगा आफ्टर वन क्लॉक पल्स। सो अकॉर्डिंग टू वट एवर क्लॉक पल्स यू पास अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वेन एवर दिस इफ द लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस फ्लिप फ्लॉप इज योर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। सो वेन एवर इन द क्लॉक वेन एवर वी गेट अ पॉजिटिव एज देन ओनली वट एवर इनपुट यू डू यू विल गेट द सेम आउटपुट, राइट? वट एवर इट कैन बी क्यू कैन क्यू एन कैन हैव एनी वैल्यू, राइट? सो द वैल्यू ऑफ डी एन क्यू एन प्लस वन विल बी सेम, राइट? तो जो भी इनपुट आप यहाँ पर देंगे आपके पास जब भी यहाँ पर पॉजिटिव एज आएगी यहाँ पर जो आउटपुट है वो यहाँ पर सेम रहेगा, आउटपुट विल ऑल्सो रिमेन द सेम, करेक्ट? सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक टेबल। सो इन दिस डी फ्लिप फ्लॉप वी हैव ओनली वन इनपुट, यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक ही इनपुट लेते हैं, वी डू नॉट टेक मोर देन वन इनपुट्स। नाउ यूजिंग दिस करेक्टरिस्टिक टेबल आई कैन मेक द फंक्शन टेबल, हम इसका फंक्शन टेबल बना सकते हैं। सो फंक्शन टेबल विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज डी एंड दिस इज क्यू एन प्लस वन। सो इफ डी इज जीरो देन क्यू एन प्लस वन इज जीरो, इफ डी इज वन क्यू एन प्लस वन इज वन। इन द सेम वे आई कैन ऑल्सो मेक द एक्साइटेशन टेबल, मैं यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल भी बना सकता हूँ। सो इन दिस एक्साइटेशन टेबल सो यू कैन सी दिस इज क्यू एन, this is qn plus 1 and this is the value of d. So the possible combinations are 0 0 0 1 1 0 and 1 1, right? So qn ki kuch bhi value ho qn plus 1 will be equal to d, right? So yahan par excitation table pe yahan par aapke paas aayega 0 1 0 1, that's it, as simple as this. So understanding this d flip flop is easiest, jitne bhi flip flop humne ab tak padhe hain, राइट? इवन वी आर ऑल्सो गोइंग टू टी फ्लिप फ्लॉप। तो जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हमने अब तक पढ़े हैं उन सभी फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर जो सबसे ईजिएस्ट फ्लिप फ्लॉप है, द मोस्ट ईजिएस्ट फ्लिप फ्लॉप आउट ऑफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स दैट आर अवेलेबल इज योर डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप सबसे आसान और सबसे ईजी फ्लिप फ्लॉप है, इसको समझना भी सबसे आसान है। एंड इवन इफ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट मोर सर्किट्स बेस्ड ऑन दिस, जैसे हम फ्यूचर में वी आर गोइंग टू डू योर काउंटर्स, करेक्ट? सो काउंटर्स और रजिस्टर्स, सो इवन इफ यू आर गोइंग टू मेक मोर सर्किट्स, अंडरस्टैंडिंग दो सर्किट्स विद डी फ्लिप फ्लॉप इज द ईजिएस्ट वन। इसी वजह से जो भी हमारे काउंटर्स होंगे ज़्यादातर काउंटर्स में हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप का ही यूज़ करते हैं, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इट एंड अंडरस्टैंडिंग द सर्किट विल बिकम ईजी। विद अदर फ्लिप फ्लॉप्स अगेन वी कैन डू इट विद देम ऑल्सो, बट उनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो वी नीड सम वी हैव टू डू सम एक्स्ट्रा एफर्ट टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, so you can see this is representing the excitation table of d flip flop, this is representing your characteristic table and truth table, or you can say function table. And this d flip flop is again you can make the d flip flop from jk flip flop only. Right now this is t flip flop, lekin jo d flip flop hai wo bhi jk flip flop se hi banta hai. Okay, so you'll understand, theek hai? To jk flip flop se d flip flop kaise banta hai you'll understand that also, theek hai?
So right now we have T flip flop. So this T flip flop is again, it is kind of a modified JK flip flop. So if you notice, then you will identify that you have an SR flip flop, which is the basic flip flop. If I do some modification on SR, then I make JK flip flop. And JK flip flop is defined even when both inputs are 1-1. And then if I do some small modification to JK, then I will create a D flip flop. And if I again do some more modification to JK, then I can make a T flip flop. जैसे कि यहाँ पर T flip flop के अंदर in J and K, J और K में हम दोनों में यहाँ पर जो values है वो same pass करते हैं. जैसे you will identify that if the value of T is 0, तो मतलब J की value कितनी होगी 0 और K की value कितनी होगी यहाँ पर 0. यानी कि अगर T 0 है तो आपका जो output है वो change नहीं होगा. Just remember the table of JK, right? तो JK में यहाँ पर हम J और K दोनों में same value pass करते हैं. We pass exactly the same value here. तो अगर हम JK में same value pass करते हैं, then what will happen because of that? उससे क्या होगा आपके पास कि अगर दोनों 0 है तो यानी कि कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन अगर दोनों 1 है then this output will get reversed. तो यानी कि जो T flip flop है, it's a toggle flip flop. वो toggle flip flop है. Toggle flip flop को हम T flip flop बोलते हैं. ओके, आई ऑल्सो शो यू कि हम जेके फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाते हैं. आई ऑल्सो शो यू दैट, बट राइट नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस टॉगल फ्लिप फ्लॉप. सो टॉगल फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है? दिस इज द टेबल, दिस इज टी, दिस इज क्यू एन एंड दिस इज क्यू एन प्लस वन. सो अगर टी की वैल्यू 0 है, राइट, अगर टी की वैल्यू 0 है देन देर विल नॉट बी एनी चेंजेस इन द आउटपुट. यानी कि जो आपके पास क्यू एन है वही यहाँ पर क्यू एन प्लस वन भी आएगा. लेकिन अगर t की वैल्यू 1 है देन वी आर गोइंग टू डू यू नो ऑपोजिट ऑफ दिस, सो आउटपुट विल बी 1-0. ठीक है, सो दैट मीन्स इफ आई मेक अ फंक्शन टेबल, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग t, दिस इज रिप्रेजेंटिंग qn plus 1. इफ द t इज 0 देन qn plus 1 इज इक्वल टू qn, इफ t इज 1 देन qn plus 1 इज इक्वल टू qn कॉम्प्लीमेंट. तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास? qn कॉम्प्लीमेंटेशन. इन द सेम वे आई कैन ऑल्सो मेक अ एक्साइटेशन टेबल, इसका एक्साइटेशन टेबल भी बना सकते हैं हम लोग. This is Qn, this is Qn plus 1 and this is the value of T. Again, T flip-flop is again the most easiest one. इसी वजह से हम D flip-flop के बाद जो second choice use करते हैं to make counters is your T flip-flop or you can say toggle flip-flop. So here 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. So whenever your current input, I mean your present state and next state is same, जब भी आपके पास present state और next state same है, इसका मतलब है T की value कितनी आपके पास? 0. लेकिन अगर प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट में चेंजेस हैं, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ टी इज 1. उस केस में टी की जो वैल्यू है आपके पास वो 1 है. ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर टी फ्लिप फ्लॉप. ओके, सो नाउ यू कैन ऑल्सो सी द सेम, आप यहाँ पर इसको देख भी सकते हैं. सो दिस इज टी फ्लिप फ्लॉप विच इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन टू द जेके फ्लिप फ्लॉप. अब जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर जस्ट गिव बोथ जे एंड के एज सेम. अगर जे और के को अगर हम सेम देंगे दैट इट विल क्रिएट अ टी फ्लिप फ्लॉप. In the same way, you can also create a D flip-flop. So just do one thing as an experiment. Ek experiment aap aisa kijiye. Just do one thing. Let me give you something for experiment because this is a good exercise. So agar aapke paas ye JK flip-flop hai, take a JK flip-flop. Before moving to the next video, take a JK flip-flop. This is J and this is K and this is Q and this is Q complement. So if I do something like this, if I give an input here and if I give a complement of this input to K, जस्ट थिंक अबाउट इट, ट्राई टू मेक अ ट्रुथ टेबल फॉर दिस, ट्राई टू सी कि अगर हम कुछ ऐसा एक फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं देन हाउ विल दिस बिहेव, विल दिस बिहेव लाइक अ डी फ्लिप फ्लॉप और विल दिस बिहेव लाइक अ टी फ्लिप फ्लॉप. डू दिस एज एन एक्सरसाइज, देन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, सो दिस इज द एक्साइटेशन टेबल, करेक्टरिस्टिक टेबल फॉर ऑल द फ्लिप फ्लॉप दैट वी हैव सीन. द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप दैट वी हैव सीन इज एस आर फ्लिप फ्लॉप. दिस इज योर एक्साइटेशन टेबल, दिस इज योर truth table or you can say characteristic table or you can say function table. So again you can see the function table as well as characteristic table, there's a small difference. So obviously sometimes what we do is we call the characteristic table as a truth table, in the same way we call the function table also as a truth table. So kafi books mein aisa likha hai, in many books they are using the name as truth table for both characteristic table as well as the function table, because dono ek hi cheez ko represent kar rahi hai, right? So here this is द एस आर फ्लिप फ्लॉप टेबल, मेक इट इन योर नोटबुक्स. आप जब भी नोट्स बनाएंगे इसको अपने नोटबुक्स में जरूर लिखें. देन दिस इज योर डी फ्लिप फ्लॉप एंड दिस इज योर अगेन दिस इज
the truth table for D flip flop, whatever input is, that will be same as your output. And this is the excitation table for D flip flop. D flip flop की excitation table है. This is the excitation table for T flip flop, toggle flip flop. यानी कि जब भी T की value 1 है, sorry, जब भी T की value 1 है, then these value will toggle. तो आपकी जो values हैं, वो toggle करेगी. This is your truth table for T flip flop. In the same way, this is the truth table for JK flip flop, and this is excitation table for JK flip flop. अब ये जो tables हैं, for your exam, obviously if you understand it, तो आपको easily समझ में आएगा. You will be able to easily understand it. But see, nobody will recommend you to memorize anything. आपके exam के लिए कोई आपको कुछ भी क्रैम करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलेगा. नोबडी विल रिकमेंड यू बिकॉज दैट विल क्रिएट अननेसेसरी प्रेशर फॉर योर ब्रेन. बट व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चंस, सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस कि आपको ये नेचुरली याद हो जाए, राइट? नेचुरली यू विल रिमेंबर इट, राइट? बिकॉज इफ यू रिमेंबर दीज टेबल्स, आपको अगर एक्साइटेशन टेबल याद है, राइट? आपको एक्साइटेशन टेबल अगर आपको याद है, तो एग्जाम में आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट और क्विकली सॉल्व कर पाएंगे. एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस यू कैन सॉल्व वेरी क्विकली. ओके, तो देखो एक चीज़ है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ. फॉर एनी ऑफ योर एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए नेवर एवर ट्राई टू मेमोराइज और क्रैम एनीथिंग. यहाँ पर गेट एग्जाम में कुछ भी मेमोराइजेशन और क्रैमिंग नहीं करनी है, बिकॉज बाय द एंड यू विल गेट सो मैनी फॉर्मूलाज. आपके पास इतने फॉर्मूलाज होंगे दैट यू विल नेवर बी एबल टू, यू नो, इट विल क्रिएट अननेसेसरी प्रेशर फॉर योर ब्रेन. इतना प्रेशर आपके पास ब्रेन में आएगा कि आप उसको याद, एंड तक याद नहीं रख पाएंगे, एंड यू विल गेट पैनिक्ड. बिकॉज आप बोलेंगे मुझे फॉर्मूलाज याद नहीं है तो मैं पैनिक हो जाऊंगा, राइट? सो नेवर एवर डू दैट. बट ट्राई टू डू समथिंग लाइक दिस. इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, तो आप उन फॉर्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं एग्जामिनेशन में. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप उन फॉर्मूलाज को एग्जामिनेशन में डिराइव करेंगे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट विल वेस्ट हेल अ लॉट ऑफ टाइम. वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा, विच इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड. ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बार बार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करें. दैट इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, राइट? तो इसी वजह से आई रिकमेंड कि आप इतना प्रैक्टिस करें, डू सो मच प्रैक्टिस दैट दीज थिंग्स विल बिकम, यू नो, लाइक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. जिस तरह से फिंगर पे 1, 2, 3 काउंट कर सकते हैं विदाउट एनी थिंकिंग, इन द सेम वे यू कैन, विदाउट थिंकिंग यू कैन मेक दीज टेबल्स, राइट? डू सो मच प्रैक्टिस. ठीक है, देखो इन द एंड दो चीज़ें बहुत मैटर करती है. पहला, आपने अपनी एग्जाम की जर्नी में क्या नॉलेज गैदर करी. ठीक है, क्योंकि जो आपकी नॉलेज होगी, दैट नॉलेज इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर योर फ्यूचर्स, राइट? फॉर योर फ्यूचर, राइट? जैसे कि देखो, व्हाटएवर यू आर स्टडिंग राइट नाउ, जो भी आप मुझसे पढ़ रहे हैं, प्लीज़ ट्राई टू मेक नोट्स, प्रॉपर नोट्स फॉर दिस. बिकॉज ऐसा होता है कि काफ़ी बच्चे हैं जो 2 साल पहले मुझसे पढ़े थे, 3 साल पहले मुझसे पढ़ेंगे, आफ्टर 2 or 3 years दे अगेन कम बैक टू मी, दे आस्क मी, सर प्लीज़ गिव मी द नोट्स, जो हमने पढ़ा था उसके नोट्स प्लीज़ दे दीजिए हमें, बिकॉज हमने नोट्स नहीं बनाए थे. सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि प्रॉपर नोट्स बनाओ, अपने खुद के हाथों से नोट बनाओ. क्योंकि अगर आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाएंगे वाइल राइटिंग थिंग्स, देन लॉट ऑफ थिंग्स विल गेट क्लियर, एज वेल एज आप कुछ न्यू क्वेरीज आएंगी, कुछ न्यू प्रॉब्लम्स आएंगी उसको लिखते हुए. तो हमेशा रिकमेंड ये होता है कि आपने खुद के नोट्स बनाओ, डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स नोट्स. मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के नोट्स मेरे पास स्कैन रखे हुए, आई कैन गिव यू दो स्कैन नोट्स, ऑब्वियसली आई कैन डू दैट. बट इफ़ आई गिव यू, तो उससे क्या होगा कि आपको उसके बेनिफिट नहीं होने वाला. टेम्परेली दैट इज़ अ टेम्परेरी सॉल्यूशन, बट दैट इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन. यू विल ओनली बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल ओनली बी एबल टू रिमेंबर और अंडरस्टैंड ईजिली योर ओन नोट्स. जो भी आपके खुद के नोट्स हैं, आप उसी को समझ पाएंगे, उसी को रिमेंबर या मेमोराइज कर पाएंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो सबसे बेस्ट यही है कि आपने खुद के नोट्स बनाओ. वो आपको ज़रूर आपके एग्जाम में और फ्यूचर में भी आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं अगले 4 से 5 साल भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है. नोबडी नोज वट विल योर फ्यूचर, राइट? तो ज़रूरी है कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं और इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करें. ओके, नाउ नाउ सो लेट अस लुक एट हाउ कैन यू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप टू अनदर टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप.